हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जब मैंने पहली बार लैपटॉप में माइक यूज़ किया था तो सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ था। माइक वर्क नहीं कर रहा था, माइक वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, तो मुझे लगा सेटिंग से ही कुछ प्रॉब्लम होगा। और मैंने यूट्यूब पे जाके जितने भी माइक सेटिंग के वीडियोज़ थे सभी को फॉलो किया और उनके बताए सेटिंग को अप्लाई किया, लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम, माइक वर्क नहीं कर रहा था। तो मुझे लगा माइक ही ख़राब है और उसे अमेजोन से रिप्लेस करके दूसरा माइक मंगवा लिया, लेकिन सेम प्रॉब्लम उसके साथ भी हुआ। तो मुझे ये कंफर्म हो गया कि साउंड सेटिंग से ही कुछ प्रॉब्लम है। फिर मैंने सेटिंग में जाके कुछ चेंजेस किए जिसकी वजह से माइक प्रॉपरली वर्क करने लगा। तो यही ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ जिसे आपको ध्यान देना है। तो वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बात करें पहले ट्रिक की, तो ये बेसिक चीज़ है और आप भी जानते होंगे कि माइक का जैक 3.55 mm का होना चाहिए। जी हाँ, तीन ट्रिक में से पहला इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन यही पे हो जाएगा अगर आपके माइक का जैक 3.5 mm का होगा। 3.5 mm का जैक का मतलब माइक के दूसरे छोर पे तीन काली पट्टियों वाला जैक होना चाहिए। तो पहला प्रॉब्लम आपका सॉल्वड है अगर आपके पास 3.5 mm वाला जैक है। और दूसरे ट्रिक के बारे में बात करें तो दूसरा ट्रिक ये है कि अगर आप सस्ते माइक यूज़ करते हैं तो लैपटॉप से चार्जर को अनप्लग कर दें, क्योंकि मुझे नहीं मालूम 800, 900 से लेकर 2500, 3000 वाले माइक पर लैपटॉप के चार्जर में लगे रहने से फर्क पड़ता है या नहीं, लेकिन सस्ते माइक जैसे 200, 300 बजट वाले माइक पे फर्क पड़ता है और वो ठीक तरीके से वर्क नहीं करते अगर लैपटॉप में चार्जर लगा रहेगा तो। तो जब भी आप वॉइस रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करें अपने माइक से तो आप लैपटॉप से चार्जर को निकाल दें। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग ये है कि जब भी आप अपने माइक को लैपटॉप में लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली टास्क बार में एक साउंड सेटिंग का ऑप्शन ओपन हो जाता है। ओपन करने पर मालूम होता है कि वो रियलटेक ऑडियो कंसोल का पेज है। एनालॉग की सेटिंग के चार ऑप्शन रहते हैं, पहला माइक इन, दूसरा हेडफोन, तीसरा स्पीकर आउट और चौथा हेडसेट, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि माइक लगा रहे हैं तो सेटिंग को तो माइक ऑन पे ही सेट करना होगा, तो नहीं, यहाँ पे आप बस सेटिंग को माइक ऑन से हटाकर हेडसेट पे सेट करना है आपको। जी हाँ, माइक ऑन से हटाकर हेडसेट पे सेट कर दें, मतलब क्लिक कर दें। अब यहाँ से आपका प्रॉपर तरीके से वॉइस रिकॉर्डिंग होना चालू हो जाएगा, बस आपका माइक खराब नहीं होना चाहिए। सेम मैंने भी अपना वॉइस रिकॉर्ड इसी सेटिंग से ऑन किया था, तो आपका भी डेफिनेटली वर्क होने लगेगा। तो जैसा कि मैंने बताया, पहले आपके पास 3.5 mm का जैक होना चाहिए, दूसरा चार्जर अनप्लग करके रखना चाहिए वॉइस रिकॉर्ड करते समय, तीसरा माइक ऑन का सेटिंग न करके सेटिंग आपका हेडसेट पे सेट रहना चाहिए। अगर ये तीनों ट्रिक आप पूरा फॉलो करते हैं तो आपका वॉइस रिकॉर्डिंग आराम से चालू हो जाएगा। अगर ट्रिक वर्क करी हो तो 2-3 सेकंड का टाइम देकर फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।